हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्पेशल है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स, बिकॉज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बी स्कूल वी हैव इन द कंट्री, विच इज़ नथिंग बट फोर स्कूल जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। सबसे अच्छी बात है कि जिन्होंने भी कैट लिखा हुआ है या कैट लिखने की सोच रहे हैं और वो कोई फाइन बी स्कूल टारगेट कर रहे हैं, फोर स्कूल डेफिनेटली तुम्हारे लिस्ट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इस वीडियो के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारी फेरिश में कहीं ना कहीं फोर स्कूल पहले से था तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे प्लेसमेंट्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वही एक चीज़ होती है जो तुम्हें ड्राइव करती है किसी भी एमबीए कॉलेज को चूज़ करने के लिए। फिर भले तुम टीयर वन के कॉलेज देख रहे हो या फिर टीयर टू के कॉलेज देख रहे हो, प्लेसमेंट्स के हिसाब से ही तुम अपना कोई भी एमबीए कॉलेज चूज़ करते हो, बिकॉज वहाँ पर तुम अपनी एक फ़ीस इन्वेस्ट करते हो 2 सालों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने 2 साल वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हें यह समझने के लिए कि तुम्हें वहाँ से रिटर्न्स कैसे देखने को मिलते हैं। तो फोर स्कूल के बारे में सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू एमबीए तुम्हें सबसे पहले मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एजुकेशन पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन। यू कैन कॉन्टैक्ट आर नंबर 8828581455 या फिर 54। इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आर सेंटर्स वसई, दादर, थाने, बोरिवली, अंधेरी, वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट बुक्स एंड ई बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रैटेजीज एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो व्हाट आर यू ऑल वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आवर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। सो द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन जो फोर स्कूल का फुल फॉर्म है वो सेटअप इन 1981, काफ़ी पुराना कॉलेज है, इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल एज अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। दे वर फ्रॉम गवर्नमेंट, एकेडेमिया एंड दोज डेडिकेटेड टू द इंस्टीट्यूट एंड एंटरप्राइज इन द डोमेन ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये काफ़ी सारे लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जिन्होंने साथ में आकर इस यूनिवर्सिटी की, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। अब कुछ लोग इसमें से गवर्नमेंट के थे, कुछ एकेडेमिशियन थे, कुछ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने मिलकर फोर स्कूल की स्थापना की थी। एज द लिस्ट वुड शो दे वर ऑल पीपल हेल्ड इन द हाईएस्ट एस्टीम एंड अ करियर मार्क्ड बाय कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कॉजेस विच सर्व्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट। इनका जो विजन है इज टू एनकरेज एंड सपोर्ट इनिशिएटिव एंटरप्राइज एंड इनोवेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल सिस्टम्स, इन डूइंग सो टू कीप रूटेड इन वंस वैल्यूज heritage while connecting with technology and globalization. इनका जो मिशन है इज टू सपोर्ट रिसर्च बेस्ड एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल कम कलेक्टिव ग्रोथ। इन डूइंग सो द मिशन इंक्लूड्स इनकलकेटिंग अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉस्पेरिटी। तो काफ़ी मायनों में ये तुम्हें होलिस्टिक ग्रोथ देने वाला है फोर स्कूल। अब देखते कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं। PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो इनका 2 साल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फिर आता है PGDM इन इंटरनेशनल बिजनेस, ये प्रोग्राम हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। PGDM इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, PGDM इन बिग डेटा एनालिटिक्स, फुल टाइम फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और वहीं एग्जीक्यूटिव फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो तुम्हें 6 अलग अलग यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की बात करें, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इज एन AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम विच इज़ डिजाइन ट्रेन एंड ग्रूम द फ्यूचर मैनेजर्स एट फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। दिस बिल्ड्स स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जनरल बिजनेस एनवायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे स्पेशलाइजेशंस भी तुम्हें यहाँ पर ऑफर होते हैं एंड हेल्प स्टूडेंट इंक्वायरिंग कंसेप्शनल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड देयर इंप्लीमेंटेशन, एनेबलिंग द स्टूडेंट्स टू ऑपरेट इन द डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स वर्किंग एनवायरमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर। कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन इन द ईयर 2024 कैन ऑल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू फर्निशिंग द प्रूफ जो तुम्हें सबमिट करना होगा लेटेस्ट बाय October 1, 2024 एंड ऑब्टेनिंग अ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स।
कैंडिडेट मस्ट अपियर इन कैट 2023, जैट 2024 या फिर दे शुड हैव अ वैलिड स्कोर ऑफ जी मैट टेकन बिटवीन 1 जनवरी 2022 एंड 31 जनवरी 2024. कैट, जैट और जी मैट तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास इस कॉलेज में जाने के लिए. सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं. सबसे पहले तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर कैट, जैट या जी मैट का स्कोर. उसके बाद स्टेज टू होगा तुम्हारा एक्सटेम्पर और पर्सनल इंटरव्यू. फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैट, जैट, जी मैट स्कोर, परफॉर्मेंस इन एक्सटेम्पर, पी आई, तुम्हारी एकेडेमिक परफॉर्मेंस यहाँ पर चेक करी जाएगी, विच मीन्स तुम्हारा 10th, 12th और तुम्हारे ग्रेड्स, इन तीनों की परफॉर्मेंस यहाँ पर जज की जाएगी. और अगर तुम्हारे पास कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कोई भी इंटर्नशिप्स या लाइफ प्रोजेक्ट्स नहीं चलते, ये काउंट नहीं होगा. तुम्हारे पास एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका सैलरी स्लिप या उसका वर्क एक्सपीरियंस लेटर तुम्हारे पास होना चाहिए, तब जाकर वो वर्क एक्सपीरियंस तुम्हारा काउंट होगा. अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. दो तरीके से यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर तुम्हारी होगी. एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, अगर तुम खुद ही फीस भरना चाहते हो तो तुम्हारी फीस होगी 18,27,000. अगर तुम किसी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर्ड आए हो फीस भरने के लिए तो तुम्हारी फीस ऑटोमेटिकली थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 22,83,000, जिसको तुम चार इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हो दोनों ही फीस. तो फीस स्ट्रक्चर नियर अबाउट 19 लाख तुम पकड़ कर चलो फॉर योर टू इयर्स अगर तुम सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से आ रहे हो. बट यहाँ पर 19 लाख देखकर तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है. टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज काफ़ी अच्छा स्कूल है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे यहाँ से देखने को मिलते हैं. और अगर रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो इनका जो हाईएस्ट सीटीसी रिकॉर्ड हुआ है वो है 30 लाख पर एनम का, एवरेज 15.1 और मीडियन 14 लाख. तो अगर मैं एवरेज की भी बात करूँ तो 15 कहाँ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है 19 लाख का एंड तुम्हारा एवरेज पैकेज है 15 लाख पर एनम का, तो काफ़ी अच्छा और डिसेंट रिटर्न्स तुम्हें देखने को मिलेगा. सेक्टर वाइज अगर ऑफर की बात करें तो BFSI से 27% थे, MRN कंसल्टिंग से 17% थे, IT से 34%, अदर सेक्टर से 10% थे, FMCD, FMCG और ऑटोमोबाइल से थे 12% कैंडिडेट्स. और अगर रिक्रूटर्स की बात करें तो ये बड़े बड़े रिक्रूटर्स तुम्हें रिक्रूट करेंगे कॉलेज में. इन कैंपस प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है इनका, काफ़ी तगड़ा है और ये सारी बड़ी कंपनीज के साथ तुम फ्यूचर में भी काम कर सकते हो. सो यस गाइस, ये था इन डेप्थ वीडियो अबाउट दी फोर स्कूल. काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट लेवल पर परफॉर्म करता हुआ ये कॉलेज. अगर तुम्हें इसको टारगेट करना है डेफिनेटली तुम्हारी लिस्ट में होना ही चाहिए, नहीं है तो इस वीडियो के बाद शायद तुम्हारी लिस्ट में ये आ जाएगा. If you still have any doubt and queries, you can write down in the comment section. Next video, कौन से topic पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.